आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गुब्बारा, यहाँ की पब्लिक और यहाँ के कुछ सीन देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज मेला है, दशहरा का मेला। हटवा दुबे का पूरा जो गोपालपुर स्टेट का एक टोला है, यह है गोपालपुर जो गोला बाजार से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल में स्थित यह स्टेट है जिसका नाम है गोपालपुर, और यही गोपालपुर से मेले के रास्ते के लिए हम प्रस्थान करते हैं। गोपालपुर का ही एक टोला है जिसका नाम है हटवा दुबे का पूरा। यहाँ पर दशहरे का मेला काफी प्रचलित है, दूर दराज के लोग इस मेले में आने के लिए समय का इंतजार करते हैं। तो वह आज समय है 12 अक्टूबर 2022। यहाँ से लगभग हटवा दुबे का पूरा जहाँ पर दशहरे का मेला लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है, 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ता बहुत आसान है। स्टार्टिंग में जब हम गोपालपुर से हटवा के लिए प्रस्थान किए हैं, बरसात की वजह से, मौसम खराब की वजह से जल जमाव था, थोड़ा सा दिक्कत है। अब आइए, यहाँ से मेला बहुत करीब रह गया है। अब इस मेला में हम आपको सारे दृश्यों को इस वीडियो के माध्यम से कवरेज करेंगे। देखिए, ये बच्चे और गार्जियन ये मेला का दृश्य देख रहे हैं, रावण का पुतला दिख रहा है। मैं हालांकि दूर से सीन लिया हूँ, अब मैं आ गया हूँ मेले में। देखिए, मेले में दुकानें सज चुकी हैं और स्टेज भी लग चुका है, ये दरबार लग गया है मेले में, सभी लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि आज मौसम सुबह में बहुत खराब था, लेकिन प्रकृति ने साथ दिया है, मौसम साफ हुआ और मेला बहुत बेहतरीन लगने की संभावना है। मेला में काफी छोटे बच्चे भी आए हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं तो मेला दे, क्या नाम आपका, नाम क्या है? रिद्धि। मेला देख रहे हो? यस। पहली बार? नहीं। अच्छा, मेला में भी कुछ खरीदारी हुई है? नहीं। अच्छा नहीं। अच्छा, क्या नाम आपका? आरुष। आरुष जी, मेला पहली बार आए आप? नहीं। अच्छा, अच्छा लग रहा है? कुछ खरीदारी हुआ है? अच्छा, आपका नाम? प्रियांश दुबे। आपका? सत्य दुबे। अच्छा चलिए, ठीक है, मेला देखिए, आनंद उठाए, ठीक है। क्या नाम आपका? मेला देख रहे हो? कुछ खाए हो? क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम? आप कुछ खाए हो मेला में? क्या? आइसक्रीम। आपका क्या नाम है? अच्छा अच्छा, अरे बहुत अच्छा। अभी तो शुरुआत हो रहा है ना? हाँ, अभी शुरुआत है। आइए यहाँ पर बात करते हैं, बैठे छोटे छोटे बच्चे भी मेले में। यह मेला हमारे पूर्वजों से लगातार लगभग 105 वर्ष हो गया, ग्राम सभा हटवा का मेला जो है 105 वर्ष पूर्ण हो गया है, है ना? तो क्या स्थिति बन रही है आज की? आज की स्थिति बहुत ही बेहतरीन होगी, जिसे हर साल से लगता है उसी तरह मेला लगेगा। काफी सज गई है, मिठाई की दुकानें हैं, मेला का अब जैसे ही आधे घंटे के बाद बहुत बम्पर भीड़ होगा। हालांकि मौसम गड़बड़ था, लेकिन फिर भी प्रकृति ने साथ दिया है। देखिए, बहुत पुरानी ये पेठा, इसको पेठा कितने रुपए किलो है? 100 रुपया। आइए, हम क्या नाम आपका? शुभम दुबे। शुभम दुबे जी, आपका? शुभम दुबे।
मेरा आप लोगों से एक छोटा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो बनाने में, अपलोड करने में, एडिटिंग करने में काफी समय और मेहनत लगता है, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आगे बने रहिए और भी बहुत खुशी है आप। हनुमान की पहचान नहीं है, अंतिम बात यही है कि कोई और है, इनको पहचान नहीं पा रहे की लखनऊ में। और यहाँ मेरे के अंदर
जल्द खत्म होने वाला है। रावण का पुतला जलेगा, देखिए अब रावण का पुतला जल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में जो यह पर्व मनाया जाता है, दशहरा का पर्व, एक संदेश भी छुपा है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।